सो आज का टॉपिक है भाई, सिस्को बॉक्स को कॉन्फ़िगर करना है। सिस्को बॉक्स का मतलब आप पहले क्लियर कर लो, वो राउटर हो सकता है कोई भी सीरीज का, लेकिन किस वेंडर का होना चाहिए? सिस्को का। स्विच हो सकता है, स्विच कितने टाइप के हो सकते हैं भाई? लेयर 2 या कौन सा ले सकते हो आप लोग? लेयर 3। लेकिन कंडीशन क्या है, वो भी किस वेंडर का होना चाहिए? सिस्को। ना फायरबॉल, ना एक्सेस पॉइंट, ना लोड बैलेंसर, कोई अदर डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे हम, बेसिक पार्ट सीखने वाले हैं, ठीक है? नाउ सो अच्छा, आप जब भी एक नया डिवाइस लेते हो, आपको क्या लगता है क्या क्या कन्फिगर करना चाहिए? जैसे आप मोबाइल फोन परचेस करते हो, सबसे पहले क्या करते हो? नेम सेट करते हो अपने मोबाइल पे, ये सुनो, मेल आईडीज लॉग इन करते हो। तो बेसिकली जब भी आप बॉक्स कन्फिगर करना चाहोगे तो सबसे पहले क्या सेट करना? डिवाइस का नेम सेट करना, फिर करना डिवाइस पे डेट एंड टाइम को सेट, ठीक है? फिर उसके बाद क्या करना है, बैनर लगाना है। बैनर का मतलब समझते हो, जब मोबाइल फोन लॉक होता है, स्क्रीन लॉक, तो कुछ कीवर्ड्स लिख सकते हो ना आप लोग कि भाई क्या लिखना है, उसके थॉट्स की तरह। तो बेसिकली डिवाइसेस में भी ऐसे होता है, जब भी आप किसी डिवाइस को रिमोटली या फिजिकली एक्सेस करते हो तो एक बैनर बना हुआ आएगा, वो बैनर दिखाऊंगा कैसे आता है, बैनर लगाना सीख लेंगे हम। देन हम सीखेंगे पासवर्ड लगाना। पासवर्ड किस पे सीखेंगे लगाना? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोटेक्ट प्रिविलेज मोड। किसको प्रोटेक्ट करोगे? प्रिविलेज मोड को। फिर सिखाऊंगा हाउ टू सिक्योर कंसोल पोर्ट, ठीक है? फिर सीखेंगे हम उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या सिखाऊंगा आपको? हाउ टू इनक्रिप्ट ऑल पासवर्ड, सारे पासवर्ड को इनक्रिप्ट कैसे करना है। फिर सीखेंगे हम हाउ टू क्रिएट लोकल डेटाबेस फॉर डिवाइस। भाई ऐसा होता है, एक ही डिवाइस को बहुत सारे इंजीनियर मैनेज करते हैं, सबका यूजर नेम और पासवर्ड क्या होता है अभिषेक? चेंज होता है, ठीक है? लेकिन मैनेज क्या करते हैं? मल्टीपल इंजीनियर्स। तो कैसे करते हैं वो बताऊंगा। फिर सिखाऊंगा नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू मैप कंसोल पोर्ट सिक्योरिटी विद लोकल डेटाबेस। कि लोकल डेटाबेस को मैप करूंगा कंसोल पे जब भी कोई लॉगिन करेगा उसके लिए। फिर सीखेंगे हाउ टू असाइन आईपी एड्रेस। फिर सीखेंगे हाउ टू इनेबल रिमोट सर्विस। क्या सीखेंगे? हाउ टू इनेबल रिमोट सर्विस। अब उसके बाद हम क्या सीखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, फिर एक और पॉइंट सिखाऊंगा हाउ टू मैप रिमोट सर्विस विद लोकल डेटाबेस। अभी इसके बारे में बात कर लूंगा। चलो बात समझो, मोड्स आप लोगों ने मुझसे पढ़े थे, अभिषेक, ललित, रंजीत, बबलू, पुनित, मोड्स हमने पढ़े थे ना? तो मोड्स कौन कौन से मोड पढ़ाए थे मैंने, याद है आप लोगों को? अच्छा मैं पूछता हूँ कि सिस्को लिखा है और ये ग्रेटर देन का सिंबल है, इसका मतलब ये कौन सा मोड है भाई? यूजर एग्जीक्यूटिव मोड। बहुत बढ़िया, अगर सिस्को लिखा है और हैशटैग है, दैट मींस ये प्रिविलेज है, प्रिविलेज मोड। हाँ ये है आपका प्रिविलेज मोड, बहुत बढ़िया। अगर सिस्को लिखा है और ब्रैकेट में लिखा है कॉन्फ और फिर हैशटैग, तो ये कौन सा मोड है? कॉन्फ़िगरेशन मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िग, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन मोड। यही तीन मोड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इनके बाद कोई अदर मोड्स आएंगे तो उनपे बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है भाई? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट है कि कैसे करना है। तो पहले मैं सिखाऊंगा हाउ टू सेट डिवाइस नेम। क्या सिखाऊंगा? हाउ टू सेट डिवाइस नेम। माइक म्यूट करके बैठे भाई, करना गो टू कॉन्फिग मोड एंड कमांड रन करनी है, कौन सी वाली? होस्ट नेम और आपके डिवाइस का नाम। देखना चाहते हो? मैंने एक बॉक्स ले लिया स्विच, ये क्या हो रहा है भाई, उल्टा कैसे आ गए फिजिकल व्यू, इसकी दुनिया से पलट गई, रुक जाओ एक मिनट, कैसे कैसे हो सकता है, दुनिया पलट गई, एक मिनट रुको, ये तो पलट के दिख रहा है, रुक जाओ, रुक जाओ, कुछ हो गया इसको, देख लेते हैं।
संडे की उतरी नहीं है इसकी। ये उल्टा हो गया पता नहीं क्यों, ये चाह नहीं रहा है, कह रहा है मेरा डिवाइस नेम में चेंज करो, रुक जाओ। हाँ एक बॉक्स ले लो, हाँ अब आ गया ना सीधा, ये लो भाई। अब देखो मैंने एक लैपटॉप लगा लिया, ये मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप से एक कंसोल केबल ली, RS232 से लगाई स्विच में कंसोल में, लैपटॉप पे गया, डेस्कटॉप टर्मिनल और ओके करा, तो मेरा डिवाइस देखो भाई CLI में एक्सेस हो रहा ही नहीं हो रहा, चेक करना आप लोग, हो गया। चलो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड उठा के ले आओ, बस यही बंदा है जो आपको सिखा सकता है सारी कमांड्स। एंटर करो भाई, ये कौन सा मोड है, यूजर एग्जीक्यूटिव, डिवाइस का नाम क्या है बाय डिफॉल्ट स्विच, मुझे कुछ और नाम देना है तो क्या करना है, इनेबल। अब कॉन्फिग मोड में जाने के लिए कॉन्फ स्पेस टी, पहुंच गए शिफ्ट क्वेश्चन मार्क, सो ये सारी कमांड चला सकते हो स्पेस। मैंने देखनी है होस्ट नेम कमांड, मिल गई, क्या बोल रहा है सिस्टम का क्या रख सकते हो नाम, एंटर करा HOST और टैब यूज करा, होस्ट नेम, होस्ट नेम क्या डाल दिया भाई, लेयर टू स्विच और एंटर कर दिया, डन। अब देखो आपके डिवाइस का नाम क्या आ रहा है स्विच की जगह भाई, लेयर टू स्विच, तो डिवाइस का नाम सेट हो गया। अब किसी को ये नेम हटाना है तो कैसे हटेगा, बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर जाके एक कमांड होती है नो, क्या लिखता है नो, नो का मतलब नेगेटिव कमांड और सेट टू डिफॉल्ट, तो मैंने बोला नो, किसको नो करना है, होस्ट नेम को, एंटर। देखो आपके डिवाइस का नेम चेंज हो गया या नहीं हुआ, चेक करके बताओ भाई आप लोग, चेंज हो गया ना, सो डिवाइस का नाम सेट कैसे करना है होस्ट नेम से, रिमूव कैसे करना है नो होस्ट नेम से, बस ये दो कमांड थी। अगर सेट करना है दोबारा से नाम और आप कमांड नहीं चलाना चाहते तो एरो की यूज कर लो, ये वाली की थी ना, एंटर कर दो, सेट हो गया भाई डिवाइस का नाम। चलो अब दूसरी बात करते हैं, अब दूसरा ऑप्शन क्या सीखना है डिवाइस नेम के बाद, हाउ टू वेरीफाई क्लॉक, क्लॉक का मतलब कितने लोग जानते हैं भाई, मुझे बताओ पहले तो, क्लॉक का मतलब क्या होता है ये बताओ, डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम कैसे देखते हैं, कुछ नहीं करना, गो टू प्रिविलेज मोड और एक कमांड चलानी है शो क्लॉक, देख लो यहाँ पर मैं चलाता हूँ, लेकिन मैं अभी कौन से मोड में बैठा हुआ, ये कौन सा मोड है कॉन्फिग, यहाँ पर अगर यूजर वाली कमांड चलानी है तो क्या लिख दूं, डू शो स्पेस क्लॉक, क्लॉक दिख रही है, अच्छा अब मैं इस मोड से बाहर निकलता हूं एग्जिट करके, आ गया, अब मैं यहां पर चलाता हूं शो क्लॉक, देखो यहां पर टाइम आता है, ये वाला आपका टाइम है, ये भाई मंथ डेट ईयर गलत है ना, सेट करना सीखनी पड़ेगी हमें, तो कैसे सेट करते हैं वो देखो भाई, अब हाउ टू सेट, एक सिंपल कमांड बताऊंगा, हाउ टू सेट डेट एंड टाइम, तो कुछ नहीं करना भाई आप लोगों को, एक सिंपल कमांड चलाना है, गो टू प्रिविलेज मोड, किस मोड में आना है प्रिविलेज मोड, और कमांड क्या लिखनी है, क्लॉक स्पेस के बाद सेट, फिर बताने आवर्स मिनट सेकेंड, फिर बतानी है डेट मंथ और फिर क्या बताना है भाई ईयर, हो गए आपकी सेट, करके दिखाओ, ये देखो ये कौन से मोड में बैठा हुआ हूं मैं अभी, कोई बता सकता है डिवाइस के, प्रिविलेज मोड, यहाँ पे क्या कमांड चलानी है, क्लॉक हो गई सेट, आ गई शिफ्ट क्वेश्चन मार्क्स, तो आर मिनट और सेकेंड, टाइम हो रहा है 8:25, तो लिख दो भाई 08 Shift colon 25 Shift colon 00 second space Shift question mark day of the month, भाई डेट कितनी है आज की, डेट कितनी है 26 space, फिर
मंथ तो बताना है लेकिन नाम में कोई नंबर वंबर नहीं डालेगा। मंथ कौन सा है भाई? सितंबर। बस तीन वर्ड लिखना है स्पेस। फिर बताना है ईयर, तो भाई अभी चल रहा है 2022। एंटर। अब दोबारा चेक करना है, एरो की यूज कर लो, बार बार कमांड मत चलाओ। चेक करो भाई टाइम सेट हो गया, डेट मंथ ईयर सेट हो गए, यस और नो। चलो ये वाला बंदा कौन होता है? ये होता है टाइम जोन। क्या होता है ये? टाइम जोन। टाइम जोन भी चेंज हो जाता है, ये ग्लोबल मोड में जाके चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये क्या होता है आपका? टाइम जोन। हमारा कौन सा टाइम जोन है भाई? यूटीसी, जीटीएस या कोई और सा है? हम कौन से टाइम जोन में काम करते हैं पता है आप लोगों को? आईएसटी में। ठीक है भाई, पर हमारा होता है जीएमटी प्लस 530, है ना? कभी देखा है? तो वो सेट करना पड़ेगा यहाँ पे। उसको कैसे सेट करते हो? कॉन्फिग मोड में जाना और यहाँ पे लिखना क्लॉक टाइम जोन और अपने टाइम जोन की वर्ड बता देना। मैंने लिख दिया जीएमटी 530, GMT 5 लिख दो, हो गया। और अब जाके चेक करो शो। अच्छा कीवर्ड तो पहले चला हुआ है, दिख रहा है भाई? यस और नो? तो ऐसे क्लॉक टाइम जोन जीएमटी लिख के चेंज हो जाता है, आईएसटी भी लिख सकते हो। अब आ जाओ दूसरी बात पे। दूसरी बात क्या है भाई? हाउ टू सिक्योर प्रिविलेज मोड। तो भाई प्रिविलेज मोड का सिक्योर के करने में बता दूं, प्रिविलेज मोड पे अगर मैं चला गया तो मैं कॉपी डिलीट कर सकता हूं या नहीं कर सकता? पहले तो आप में से ये लोग बताइए, हो सकता है या नहीं हो सकता कॉपी डिलीट सेव वाला टास्क? हो सकता है। हो सकता है तो इसलिए सिक्योर करना ही है। तो क्या करना है सिक्योर करने के लिए? गो टू कॉन्फिग मोड और कमांड चलानी है। क्या लिखना है? इनेबल। जब भी कोई इनेबल करेगा तो वो फीचर बताने पड़ेंगे आपको कि कैसे उसको फीचर से यूज करना है। और फिर जब भी वो इनेबल करेगा तो क्या मांगेगा वहां पर? एक पासवर्ड। तो भाई पहली टैब में होता है आपका फीचर वाला बंदा और दूसरी टैब में आप अपना क्या बताते हो भाई? पासवर्ड। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, दो टाइप के फीचर होते हैं आपके पास, कौन कौन से? एक होता है पासवर्ड, सिर्फ पासवर्ड वाला फीचर लिख के अपना पासवर्ड लिख दो। और जब भी पासवर्ड वाला फीचर होगा तो उसमें आपका जो पासवर्ड है वो कैसे होगा? प्लेन टेक्स्ट। ये विजिबल होगा या इनविजिबल होगा भाई? विजिबल। और एक होता है सीक्रेट कीवर्ड। अगर सीक्रेट यूज करा तो आपका पासवर्ड कैसे होगा? इनक्रिप्टेड। क्लियर है? चलो देख लो करके, पहले देख तो लो। ये लो कॉन्फिग मोड में ले चलता हूं, कॉन्फिग टी और कमांड देखो, इनेबल शिफ्ट क्वेश्चन मार्क। कितने फीचर है भाई आप लोगों के पास? पासवर्ड और प्रोटेक्ट। पासवर्ड ले लो भाई, चलो पासवर्ड। पासवर्ड लिख दिया जेंटेक फॉर एग्जांपल, एंटर, एग्जिट, हो गया एग्जिट। अब किसी ने इनेबल करा, क्या मांग रहा है ये प्रिविलेज पे जाने के लिए? पासवर्ड। मैंने पासवर्ड डाल दिया फॉर एग्जांपल, मैंने डिवाइस लॉगिन करके आपको दे दिया और मैं चला गया बाहर। आपने क्या देखा? शो रन। कौन सी कमांड चला दी भाई? शो करो रनिंग कॉन्फिग, जो भी रनिंग कॉन्फिग है अभी कॉन्फिग कर रखी है। उसमें आपको क्या पता चला कि मेरे इनेबल का पासवर्ड क्या है भाई? देख के बताओ, जेंटेक। ये कैसे हुआ? क्योंकि मैंने कौन सा कीवर्ड यूज करा था अभी? पासवर्ड। तो याद रखना, अगर पासवर्ड यूज होगा तो प्लेन टेक्स्ट होगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ। कैसे हटाते हैं? अब मुझे मोर पे जाके स्पेस दबाना है? नहीं, मेरा काम हो गया, मुझे कमांड मिल गई, एस्केप दबा दो, यही से ब्रेक हो जाएगा। अब क्या करना है? कॉन्फिग मोड में जाना है। पहले तो आपने इस पासवर्ड को हटाना है, तो मैं क्या बोलता हूं? नो इनेबल और क्या फीचर यूज हुआ था भाई? पासवर्ड, एंटर और एंड लिख लो, प्रिविलेज में चले आओगे डायरेक्ट, हो गए। देखो भाई, और फिर चलाओ शो रन कमांड। क्या आपके पास अब कोई पासवर्ड है? ललित, रंजित, अभिषेक, बबलू, पुनीत, कोई पासवर्ड है? नहीं ना? नहीं, लेकिन अब करेंगे हम, अब हम सेट करेंगे। मैंने क्या बोला? कॉन्फिग मोड में चलते हैं सबसे पहले। ये रहा एक कॉन्फिग मोड, यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड चलाया इनेबल और अब लिखा सीक्रेट।
और मेरा वही पासवर्ड है जेंटेक, देखते रहना आप। डन एंड लिखा, मैं डायरेक्ट यूजर में नहीं जा सकता हूँ, प्रिविलेज में गया फिर यहां से एग्जिट बोल दिया, आ गए फिर इनेबल लिखा, पासवर्ड मांग रहा है, मैंने आपको लॉग इन करके दे दिया फॉर एग्जाम्पल काम करने के लिए, जेंटेक लिखते, आपने बोला अच्छा लॉग इन है, आपने तुरंत ही कौन सी कमांड चला दी भाई, शो, कमांड क्या थी, शो रनिंग कॉन्फिग। अब आपका पासवर्ड देखना कैसा दिख रहा है भाई, विजिबल है या इनक्रिप्टेड है, बताओ आप लोग, इनक्रिप्टेड है। कोई इसको ब्रेक, कोई इसको ब्रेक कर सकता है, नहीं, तो हटता कैसे लगता कैसे बता दिया, इसको हटा देता हूं मैं, कॉन्फिग नो इनेबल सीक्रेट शो रन, कोई पासवर्ड है अब, नहीं, तो पासवर्ड लगाना आ गया, अब नेक्स्ट काम पे बात कर लो। नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस है, हाउ टू सेट बैनर, बैनर होता क्या है पहले दिखाना पड़ेगा आप लोगों को, रुक जाओ यहां पर, चलो यहां पर लिखो google.com और यहां पर चलते हैं हम गूगल पे, हम देखते हैं बैनर राउटर, जो राउटर पे बैनर लगते हैं वो दिखाते हैं। ओहो ये अलग ही बता रहा है, सिस्को राउटर बैनर लॉगिन, देखो भाई ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऑथराइज यूजर ओनली, ये सुनो, ऐसा कुछ बना सकता है या इतना बड़ा लिखा आ सकता है कुछ वार्निंग टाइप में, दिख रहा है, या ऐसे वार्निंग भी दे सकते हो आप, ये बैनर लगता कैसे, बनाया कैसे होगा, अब सीखोगे आज आप, देखो ये हाउ टू सेट बैनर सिखा रहा हूं ना, तो कुछ नहीं करना, गो टू कॉन्फिग मोड और कॉन्फिग मोड में कमांड चलती है, बस क्या लिखना है, बैनर, अब बैनर के बहुत सारे फीचर है, कब लगाना है बैनर, लॉग इन पे, इनकमिंग पे, आउटगोइंग पे, जब भी एक्सेस होगा, इनकमिंग या आउटगोइंग जब बताना है तो हो सकता है, एक होता है मैसेज ऑफ द डे, कौन सा होता है, मैसेज ऑफ द डे, उसके बाद बताना है बैनर के फीचर के बाद, एक स्पेशल कैरेक्टर भी यूज कर सकते हो या स्मॉल सी, और फिर अपना क्या लिखना है, जो भी बैनर है आपका, उसके बाद स्मॉल सी से उसको क्लोज करना है, स्मॉल सी से स्टार्ट होगा अपना बैनर का, जो भी लिखना है लिख दिया, फिर क्लोज कैसे करोगे, स्मॉल सी से। अब देखो भाई लिखा दो, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाऊंगा, एग्जिट, कोई बैनर दिख रहा है यहाँ पर आप लोगों को भाई, नहीं है ना, अब बनाते हैं, देखो इनेबल कॉन्फिग, कमांड क्या होती है, बैनर शिफ्ट क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर सिर्फ एमओटीडी आ रहा है, रियल टाइम में बहुत सारे होते हैं, ये एग्जाम्पल का बना के दिखा रहा हूँ, किससे स्टार्ट करना है भाई, स्टार्ट किससे करना है, स्मॉल सी, एंड किससे करना है, स्मॉल सी, और बीच में कौन रहेगा, बैनर जो भी लिखना है, तो स्मॉल सी स्पेस, मैंने लिखा भाई सिस्को CCNA एंटरप्राइज 200 301 बैच, ठीक है भाई, इतना बढ़िया लिख दिया, कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को, बोलो अब किससे क्लोज करना है, स्मॉल सी से, एंटर, अब मैंने लिखा एंड और फिर कर दिया एग्जिट, क्या लिखा हुआ आ रहा है बैनर में पढ़ना आप लोग, जो हमने लिखा तो वही है ना, चलो दिखा भी देता हूँ, इनेबल और शो रन की कमांड है क्या यहाँ पर, नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ शो रनिंग, ओह इनेबल शो रनिंग, तो देखो भाई स्पेस दबाता हूँ, बैनर यहाँ पर नहीं मिला, मैं स्पेस दबाता हूँ, तो बैनर दिख रहा है आप लोगों को बना हुआ, ये बैनर है हमारा, यही दिख रहा था, अब मैं इसको हटाना चाहता हूँ, कैसे हटेगा, कॉन्फिग मोड में जाना है, क्या लिखना है, नो बैनर, और कौन सा फीचर के लिए लगाया था, जो एमओटीडी एंड एग्जिट, कोई बैनर है अब, नहीं ना, तो दोबारा बैनर बनाएंगे, लेकिन अब मैं एडवांस बैनर बना के दिखाने वाला हूँ भाई, देखो नोटपैड ओपन कर लेना, और हमने तो पहले एक काम कर रखा है, ये हमने डंडे पहले ले रखे है ना भाई, यस और नो, हो गया, इसके बीच में एक लाइन लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, ओनली ऑथराइज्ड नेटवर्क इंजीनियर एक्सेस दिस बॉक्स, ठीक है भाई, कौन कौन से इंजीनियर ऑथराइज्ड हैं, अब उनके नाम बताने पड़ते हैं,
बबलू, रंजीत, ललित, पुनीत और कोई रह गया, अभिषेक, और कोई ये गया हमारे बीच में, इतने ही है। चलो जो बचे हुए उनके लिए बॉब के नाम से कैरेक्टर है, डन। अच्छा ये बैनर हमारा बन गया, हो गया। अब इस बैनर को यहां से मैंने क्या करा, कॉपी कर लिया। अब ये बैनर जाएगा कैसे वहां पे देखते हैं। बॉक्स पे चलो अपने पहले। तो मैंने बोला भाई बैनर MOTD स्मॉल सी स्पेस और राइट क्लिक करके पेस्ट आ गया, लेकिन स्मॉल सी एंड ये तो यार मर्ज हो रहा है, दिख रहा है आप लोगों को कमांड के अंदर, ये तो मर्ज हो रहा है, बन नहीं पा रहा। ये कैसे बनता है, ये बड़ा वाला बैनर, इसको बनाने का एक मेथड है, बैनर MOTD स्मॉल सी, अभी कैरेक्टर लिखते थे ना, अब कुछ नहीं लिखना, एंटर दबाना है, एक ब्लैंक पेज मिल गया, अपना बैनर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो मैं बैनर ले आता हूँ अपना उठा के पहले, भाई हमारा बैनर कहाँ है, ये वाला, कॉपी कर लो इसको, कॉपी, इधर आ जाए, पेस्ट कर दो, हो गया। चलो देखते चलते हैं, ये तो प्रॉब्लम कर रहा है यार, ये तो क्या कर रहा है हम लोगों के लिए, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अब बनेगा कैसे ये, सो बेसिकली अभी जब स्मॉल सी लेता हूँ तो एक लिमिटेड कैरेक्टर को ही लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या बोला, बैनर MOTD स्मॉल सी की जगह कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर ले लिया, @ हैश डॉलर कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने @ लिया तो भी एंटर हो रहा है ना, या मैं बोल दू भाई देखो Ctrl+C, अगर मैं बैनर MOTD @ की जगह क्या ले लू, डॉलर और फिर @, तो तब भी चल पा रहा है ना, यस और नो। तो पेस्ट कर दिया अपना बैनर, आ गया पूरा बैनर, अब कोई एरर आया, एंटर, किससे स्टार्ट हुआ था, डॉलर से, क्लोज भी डॉलर से करो, एंड करो, एग्जिट करो। भाई देख लो बैनर दिख रहा है नहीं दिख रहा आप लोगों को, हाँ जी आवाज आ रही है इन बंदों को जिनके नाम लिखे हैं, सर हमने डॉलर यूज कर लिया ना सर। हाँ भाई स्पेशल कैरेक्टर कोई भी ले लो, लेकिन कब लेंगे, जब बैनर बहुत बड़ा होगा। सी में क्यों नहीं ले रहा था वो, हाँ सी में लिमिटेड कैरेक्टर होते हैं ना, इसलिए इसको हटा देता हूँ मैं, कॉन्फिग नो बैनर MOTD, एक बार दोबारा बना के दिखाइएगा भाई, रिकॉर्डिंग में है ये, वैसे अगर बार बार बनाऊंगा तो दिक्कत आएगी। बैनर MOTD @ एंटर, पेस्ट योर बैनर, फिर एंटर, क्योंकि एक नया स्पेस, शिफ्ट @ एंटर एंड एक्सिट, आ गया नेबर, इसको हटा, नो बैनर MOTD, बस याद रखना है स्मॉल सी लिमिटेड कैरेक्टर के लिए, और जो बहुत बड़ा बैनर बनाओगे उसको नोटपैड पे बनाओ और फिर यहाँ पर डालना है, डायरेक्ट इसके अंदर भी डिजाइन हो जाता है, ठीक है, इसके अंदर भी डिजाइन हो जाएगा। कैसे होगा, मैंने लिखा बैनर MOTD @ और मैंने लिखा हैश, ठीक है भाई ये हैश लगा दिए, और फिर लिखा ओनली ऑथराइज नेटवर्क इंजीनियर एक्सेस दिस बॉक्स, डन, फिर @ लगा दिया, और फिर क्लोज किससे करना है, @ से एंड एक्सिट, नोटपैड की भी जरूरत नहीं है, बन गया ना बैनर, ये सुनो, तो आप अपने बैनर बना सकते हो डिवाइस पे, नो बैनर MOTD। अब इसके बाद एक और पॉइंट समझना है, अब नया पॉइंट क्या बताने वाला हूँ वो देखो, अगर बैनर हो गया हमारा, अब मैं आपको सिखाऊंगा एक नया ऑप्शन, हाउ टू सिक्योर कंसोल पोर्ट, क्यों सिक्योर करना है वो भी समझो भाई। अभी आपका ये L3 इंजीनियर बैठ के काम कर रहा था, आपने एक L1 इंजीनियर को डेस्कटॉप दे रखा है, उसने बोला ठीक है सर, उसने आपसे बोला सर एक्सेस चाहिए था, आपने कंसोल केबल दी, उसने कंसोल केबल PC में लगाई, अपने PC डेस्कटॉप में गया टर्मिनल में ओके करा और एंटर करके देखो भाई क्या इसके पास डिवाइस का एक्सेस आ रहा है या नहीं आ रहा, आ गया ना बिना किसी पासवर्ड के, बोलो
कंसोल एक्सेस हो गया ना, तो बेसिकली कंसोल तो सिक्योर हुआ ही नहीं, तो अब मुझे सिक्योर करना पड़ेगा। कैसे सिक्योर होता है वो समझना है। अच्छा तो कुछ नहीं करना, गो टू कॉन्फिग मोड, पहले जाओ आप कॉन्फिग मोड में, और एक कमांड होती है कंसोल पोर्ट कितने होते हैं कोई बता सकता है मुझे? हाउ मेनी कंसोल पोर्ट वी आर गेटिंग ऑन सिस्को बॉक्स? एक ही होता है ना यार, तो कुछ नहीं करना। लाइन, लाइन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा चैनल जहां पर कौन कनेक्टेड हो मेरे बोर्ड के अंदर, कंसोल वाला बंदा। और कंसोल पोर्ट कितने होते हैं वो बताना है। मैंने बोला जीरो, यानी एक ही बंदा है। और मैंने क्या बोला, पासवर्ड लगा रहा हूँ भाई। और कब लगाऊंगा? जब भी कोई क्या करेगा मेरे डिवाइस को, लॉग इन। लेकिन कैसे लॉग इन होगा? कंसोल के थ्रू। क्लियर है? अब बात समझो, यहाँ पर चल दो, कुछ नहीं करना। आपने केबल अपने डिवाइस पे लाके लगा ली, ये लो। आपने बोला मैं अपने नेटवर्क इंजीनियर को ऐसे एक्सेस नहीं दूंगा भाई। आपने बोला कॉन्फिग लाइन, फिर देखो लाइन के बाद बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अभी हमें सिर्फ कंसोल यूज करना है। ये प्राइमरी क्यों है? क्योंकि ये पहला ऑप्शन है जो सीएलआई प्रोवाइड करता है, ये सेकंड ऑप्शन है। लाइन कंसोल, कंसोल पोर्ट कितने हैं यहाँ पर? अभिषेक वर्मा, कुंडेर, रंजीत, बबलू, ललित, पुनित, जीरो ही दिखा रहा है, यानी एक ही है। जीरो। और फिर क्या बोला, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं यार, ये सब यूज कर सकते हो। मुझे सिर्फ कौन सा ऑप्शन यूज करना है? पासवर्ड का। पासवर्ड, और पासवर्ड लिख दिया सिस्को। कब मांगेगा ये पासवर्ड? जब डिवाइस को क्या करा जाएगा, लॉग इन कंसोल केबल करके, एंड एग्जिट। हो गया। अब इसने हटा दी ये केबल, लेके आया ये पीसी। जैसे इस पीसी ने इसे ओपन करने के लिए अपने डिवाइस से एक्सेस करा, क्या मांग रहा है भाई वो? क्या मांग रहा है बताओ आप लोग? पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड, पासवर्ड है नहीं उसके पास। आपने बोला ठीक है रुक जाओ मैं दे रहा हूँ। आपने पासवर्ड राइट करके एंटर करके दे दिया। उसने क्या करा, इनेबल में गया। अच्छा जा सकता हूँ? उसने जाते ही क्या कमांड चला दी, शो रनिंग स्पेस 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 स्पेस। उसने देखा कंसोल जीरो पे क्या पासवर्ड चल रहा है भाई, सिस्को। ये विजिबल है या इनक्रिप्टेड है? विजिबल है। तो इसको इनक्रिप्ट करना पड़ता है। ठीक है अभी मैं हटा देता हूँ। कॉन्फिग लाइन कंसोल जीरो, क्या लिखना है? नो पासवर्ड, नो पासवर्ड, और एग्जिट, एग्जिट। अब दोबारा देखो शो रन करके, क्या कंसोल पोर्ट पे कोई पासवर्ड है अब? नहीं है, तो डायरेक्ट लॉग इन होगा। मैंने क्या बोला, लाइन कंसोल जीरो, पासवर्ड सिस्को। उसके बाद ऑप्शन है कोई इनक्रिप्ट करने का? नहीं। अच्छा पासवर्ड के अलावा कोई ऐसा फीचर है जिससे इनक्रिप्ट हो सकता है यहाँ पर? कोई है फीचर? नहीं, कोई फीचर ही नहीं है। तो भाई कंसोल पोर्ट तक पहुंचने के लिए उसको प्रिविलेज में भी तो जाना पड़ेगा आई थिंक, ये सुन लो। कंसोल पोर्ट का पासवर्ड देखने के लिए शो रन कमांड कहाँ चलेगी? प्रिविलेज में। मैं क्यों ना यहाँ पर पासवर्ड लिख दूं पहले। पासवर्ड क्या रख दिया भाई, सिस्को। लॉग इन के टाइम पूछना एग्जिट, और मैंने बोल दिया इनेबल सीक्रेट विद जेंटेक, एग्जिट एग्जिट। हो गया। अब आपने क्या बोला इसको जाके कि भाई मैंने आपको डिवाइस लॉग इन करके दे दिया है। अब ये बहुत खुश है, कह रहा है मेरे को मिल गया प्रिविलेज में जाऊंगा मैं डायरेक्ट। ये आया भागते हुए और इसने किस में जंप मारी, प्रिविलेज में। लेकिन प्रिविलेज में आपने पहले ही क्या सेट कर दिया था, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। अब बिना पासवर्ड के जा पाएगा नहीं। ये बस यहाँ पर बैठ के क्या करता रहेगा, शो कमांड चलाता रहेगा। चलाने दो, यहाँ पर रनिंग की कमांड कोई चल रही है शो रन करके? नहीं ना, तो रनिंग हो नहीं सकती। कॉपी डिलीट कर सकता है? नहीं। सेव कर सकता है? नहीं। कोई चेंज कर सकता है? नहीं। तो L1 को यही मोड देते हैं हमेशा, याद रखना। क्लियर है इतना बंदा? चलो एक और बार। अब नेक्स्ट पॉइंट जो मैं सिखाने वाला हूँ इसको आप लोग याद रखना, ये बात मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा भाई। एक यही एक ऐसे लाइन है जो मैं बताऊंगा, ये कभी कहीं पे यूज मत करना गलती से भी, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा आप लोगों को। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाना है इसलिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हाउ टू इनक्रिप्ट ऑल पासवर्ड फ्रॉम
प्लेन टेक्स्ट, टू इनक्रिप्टेड फॉर्मेट. क्या लिखा हुआ है अभिषेक, पढ़ना भाई एक बार जरा. How to encrypt all password from plain text to encrypted format. हाँ, और इसके आगे एक इम्पोर्टेंट लाइन भी लिख देता हूँ. Never use in production network. कभी कहाँ पर यूज मत करना इसको भाई, कभी कहाँ पर यूज मत करना, प्रोडक्शन के नेटवर्क में. लेकिन क्यों करते हैं नहीं है वो भी पता चलेगा. गो टू कॉन्फिग मोड और एक कमांड चलती है भाई जिससे जितने भी पासवर्ड है सारे इनक्रिप्ट हो जाते हैं. उसके कमांड का नाम है सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन. क्या नाम है उस कमांड का? सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन. याद रहेगी? चलो दिखाता हूँ एक जादू आप लोगों को. एक सेकंड रुको भाई, यहाँ का तो पासवर्ड मुझे पता है ना, आप लोगों को नहीं पता. मैंने क्या बोला, शो रन. ये जितने भी पासवर्ड लगे सारे हटाऊंगा सबसे पहले. सिर्फ मुझे इनेबल का हटाना पड़ेगा. हो गया, इनेबल का प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड लगा देता हूँ, जेंटेक. अब देखो शो रन, कंसोल का पासवर्ड विजिबल है या नहीं है भाई? विजिबल है. अच्छा, इनेबल का पासवर्ड विजिबल है. अब मैंने क्या कमांड लिखी, सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन, एंटर. जैसे ही एंटर करा आप चेक करो शो रन, इनेबल का पासवर्ड क्या हो गया भाई, इनक्रिप्ट. कंसोल का पासवर्ड देख के बताओ क्या हुआ है, इनक्रिप्ट हो गया भाई. ये जो 7 लिखा आ रहा है ना, ये लेवल ऑफ सिक्योरिटी होता है. क्या बोलते हैं इसको? लेवल ऑफ सिक्योरिटी. 7 नंबर की सिक्योरिटी पे काम करता है. अब एक बार समझो, ये इनक्रिप्ट एक ही कमांड ने करा. आपने बोला सर मुझे दोबारा से अपने पासवर्ड देखने, क्या कहते हैं मैं भूल गया हूँ. तो आपने क्या कहा, कॉन्फिग में गए, नो सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन. नो का मतलब क्या होता है ललित, कि जो रनिंग जो अभी करा था वो सबको क्या कर दो, डिलीट कर दो, और जो पहले था वो डाल दो. एंटर. जैसे ही एंटर करा, अब शो रन में जाके देखना क्या इनेबल का पासवर्ड रिकवर हो पाया प्लेन टेक्स्ट में. नहीं. तो यही तो बताई थी कहानी, किसको कभी यूज करोगे अब? नहीं. रिवर्ट बैक तो देता ही नहीं भाई, ओनली वन टाइम रनिंग होती है. एक बार रन हो गई तो इनक्रिप्ट रहेगा. अब आपको पूरा रीसेट मानना पड़ेगा डिवाइस. ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट. एक और पॉइंट बढ़ाना है. क्या क्या लिखवाया था देख लो मैं. हाँ ठीक है, लोकल डेटाबेस समझाता हूँ, ये भी बताना है. चलो भाई, लोकल डेटाबेस. मैं क्या बोल रहा हूँ, आपकी कंपनी में आप लोगों ने देखा होगा एक ही डिवाइस को नेटवर्क के बहुत सारे इंजीनियर मैनेज करते हैं. अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने, एक मिनट हो जाओ, रिलोड कर देता हूँ इसको, सेव नहीं करना ना मैं, तभी तो हम काम कर पाएंगे. रीसेट हो जाएगा डिवाइस ऑटोमेटिकली जब सेव ही नहीं करी कॉन्फिग. वेट करो, सेव कैसे करते हो मैं बताऊंगा अभी. चलो देखो भाई, इनेबल, कोई पासवर्ड नहीं है ना, कोई नाम नहीं, कोई डेट नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि सेव ही नहीं कर रहा था. अब मैं कर रहा हूँ काम दोबारा से. मैंने क्या बोला, इनेबल पासवर्ड सिस्को, लाइन कंसोल 0, पासवर्ड इज सिस्को 1, लॉग इन कर लेना. एंड हो गया भाई, सारे काम हो गए अपने. लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, शो रन. अब जब भी कोई इससे लॉगिन करेगा, इस कंसोल को फिजिकली एक्सेस करेगा, तो सबके लिए ये पासवर्ड कॉमन रहेगा या डिफरेंट रहेगा? अलग अलग यूज करेंगे सब. ये पासवर्ड कैसे रहेगा सब इंजीनियर्स के लिए? कॉमन रहेगा. पता चले ललित ने वहां पर जाके कुछ डिलीट कर दिया, बबलू जी ने आके उसे सेव ही नहीं करा, डिवाइस रीसेट हो गया. सेव नहीं काम, तो ऐसे कैसे काम चलेगा फिर? तो बेसिकली क्या होता है, नेटवर्क में हम लोग क्या करते हैं कि डिवाइसेस पे मल्टीपल अकाउंट बनाते हैं देखने के लिए कि किस बंदे ने क्या काम करा था. वो कैसे दिखता है, स्विच पे जाके एक कमांड चलाओगे, शो लॉगिंग, एंटर.
इससे आपको अपने डिवाइस के लॉग मिल जाएंगे। अभी कितने लॉग है भाई? टोटल 21 है। ठीक है भाई, चलो आ जाओ बात दूसरी करते हैं। तो कैसे अकाउंट बनते हैं वो सिखाना है बस, और फिर क्लास ओवर है, कुछ नहीं करना। हाउ टू क्रिएट लोकल डेटाबेस, भाई लोकल डेटाबेस बनाओगे इसके लिए नेटवर्क में टकैस और रेडियस भाई साहब होते हैं आपके। कौन कौन होते हैं? टकैस और रेडियस। एक सर्वर होता है जो मैनेज करता है इन सबको, लेकिन अभी हम हर डिवाइस का अपना एक डेटाबेस बना रहे हैं, तो इसलिए उसको क्या बोलता हूँ मैं? लोकल। यानी अगर मैंने 5 अकाउंट स्विच पे बनाए तो स्विच पे ही काम करेंगे, राउटर पे आ जाएंगे क्या? नहीं। तो इसलिए तो क्या बोलते हैं उसको? लोकल डेटाबेस। कैसे बनते हैं? गो टू कॉन्फिग मोड और कमांड होती है भाई, सिंपल। यूजर नेम बताओ सबसे पहले उसका, और उसके बाद यूज करो पासवर्ड। क्या पासवर्ड बताना है उस बंदे का, वो लिखो। एक और कमांड चला सकते हो, यूजर नेम, और फिर क्या बता सकते हो? सीक्रेट, और फिर उसका जो भी पासवर्ड है वो लिखो। इन दोनों कमांड में क्या क्या डिफरेंस है कोई बता सकता है? मैंने बताया भी था ये, क्या डिफरेंस? एन्क्रिप्टेड होगा। हाँ जी बताएं। पासवर्ड पासवर्ड शो कर, जो पासवर्ड है वो प्लेन टेक्स्ट होगा, जो सीक्रेट है वो एन्क्रिप्टेड। बस खत्म हो गई बात, और क्या चाहते हो? यूजर नेम जैसे लिख दिया बबलू, पासवर्ड सिस्को, यूजर नेम ललित, सीक्रेट सिस्को, यूजर नेम पुनीत, पासवर्ड इज सिस्को टू, यूजर नेम अभिषेक, सीक्रेट सिस्को थ्री, एंड लिखा शो रन। भाई देखना किस किस बंदों के पासवर्ड एनक्रिप्टेड है और किस किस के बंदों के प्लेन टेक्स्ट है, बता सकता है कोई मुझे देख के? अभिषेक इनक्रिप्टेड, ललित इनक्रिप्टेड। अभिषेक वाला पासवर्ड इनक्रिप्ट है और ललित वाला, बाकी दोनों के अलग पासवर्ड है प्लेन टेक्स्ट में, तो ये ऑथेंटिकेशन फेलियर होगा ना कि भाई कोई भी देख सकता है इन दो बंदों का पासवर्ड। चलो एक और बना लेता हूँ। मैंने लिखा भाई यूजर नेम टेस्ट, पासवर्ड इज टेस्ट। आपको पता चला कुछ दिन बाद एक बंदा नहीं रहा, रिजाइन देके चला गया, उसका नाम है टेस्ट। कैसे डिलीट करोगे? कॉन्फिग मोड में आना, लिखना नो यूजर नेम। क्या था यूजर नेम उसका? टेस्ट। शोर है। अब है वो बंदा? नहीं, छोड़। अब दूसरी बात, अगर इतना कर लिया है, नेक्स्ट पॉइंट सिखाता हूं, हाउ टू मैप लोकल डेटाबेस फॉर कंसोल ऑथेंटिकेशन। मैंने अभी एक कंसोल पे प्रॉब्लम बताई थी कि अगर कंसोल का पासवर्ड ऐसा कुछ हो जाए, रुक जाओ दिखा देता हूँ, ये तो मानोगे नहीं ना, अगर मैं ये पासवर्ड यूज करूँ तो प्रॉब्लम क्या आएगी? कोई भी चेंज करेगा क्या किसी को ट्रेस कर पाओगे? नहीं। तो मैंने क्या बोला कि कंसोल पे जब भी कोई काम करे मुझे ट्रेस हो, तो उसके लिए ये टॉपिक होता है कि आप अपने कंसोल की ऑथेंटिकेशन किसके साथ मैप कर रहे हो? डेटाबेस से। कि वो बंदा अगर डेटाबेस में है तो उसका हर यूजर का अपना अलग एक लॉग जनरेट होगा और वो सेव होता रहेगा आपके स्विच पे, तो आपको पता चल जाएगा ए यूजर ने ये करा था, बी यूजर ने ये करा था। कैसे करते हो? गो टू कॉन्फिग मोड, कमांड बहुत सिंपल है ब्रदर, लाइन कंसोल जीरो, और लास्ट टाइम आप पासवर्ड लिखते थे ना ऑथेंटिकेशन के लिए, अब नहीं लिखना। अब क्या बोलना है? लॉग इन करते टाइम क्या चेक करना मेरा? लोकल डेटाबेस, बस इतना ही है। तो जब भी आप लॉग इन करोगे वो लोकल डेटाबेस में दिखेगा आप हो या नहीं, अगर आप मिले तो आपको ऑथेंटिकेट करेगा, नहीं मिले तो नहीं करेगा। दिखाऊं करके? देखो लाइन कंसोल जीरो, जो पासवर्ड लगाया वो तो हटा दूं पहले, नो पासवर्ड सिस्को, नो पासवर्ड लिख दो बस, पासवर्ड बताने की जरूरत नहीं है। शोरर, कोई कंसोल में आप पासवर्ड लगा हुआ है भाई? नहीं ना, तो मैंने अब लगाना है। लाइन कंसोल जीरो, लॉग इन करते टाइम क्या मैप कर दिया भाई मैंने? क्या मैप करा? लोकल। एंटर, चेक करो शोरर कि कंसोल के लिए लोकल डेटाबेस वेरीफाई होगा। एग्जिट। मैंने बोला भाई ये पीसी है आज से पुनीत का, किसका पीसी है भाई ये? पुनीत का। पुनीत ने कंसोल केबल लाके अपने डिवाइस में लगाई,
बोला सर मुझे एक्सेस चाहिए, क्या मांग रहा है आपका डिवाइस एक्सेस करने के लिए? सबसे पहले बताओ भाई, कंसोल एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए आपको सबसे पहले? आपका था पुनीत, फिर क्या मांग रहा है? पासवर्ड सिस्को 3 सिस्को, अच्छा पुनीत सिस्को 2 होगा, हो गया लॉग इन। ये सुनो, इनेबल कर लो, इनेबल का पासवर्ड अगर पता है तो ही काम कर पाओगे। हो गया, दिख रहा है पासवर्ड बहुत सारे हैं ना, चलो तो ऐसे कर सकते हैं। और अगर हटाना हो आपको तो कुछ नहीं करना, लाइन कंसोल 0 और क्या लिखना है, नो लॉग इन लोकल एंड शो रन। चेक करो भाई कंसोल पे अब ऑप्शन आ रहा है लॉगिन करने के लिए, नहीं लोकल डेटाबेस से एक्सेस तो होगा ना, फिजिकल है, बस लॉगिन के लिए आप एक ऑप्शन बताते थे। तो भाई ये हो गया आपका बेसिक कमांड का टॉपिक खत्म, कल पढ़ाऊंगा इतने टॉपिक, असाइन करना, रिमोट सर्विस और मैपिंग, ये स्पेशल टॉपिक रहेगा क्लास।